पीएम मोदी का आज अरुणाचल का दौरा, ईटानगर के डोनी पोलो एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन, एक हाइड्रो पावर स्टेशन का भी लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष जोर, पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूर्वोत्तर में 7 हवाई अड्डे बनाए। पीएम मोदी आज काशी का भी करेंगे दौरा, वाराणसी में काशी तमिल संगम का भी करेंगे उद्घाटन। गुजरात में आज से प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैली, आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण गुजरात में करेंगे 8 रैलियां, कई इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7:30 बजे वलसाड में जनसभा को करेंगे संबोधित, आज रात वलसाड में ही ठहरेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी 20 नवंबर को सोमनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेरावल थोड़ा जी। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। मैं भी करेंगे रैली को संबोधित। सूत्रों के अनुसार गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 से ज्यादा जनसभाएं होंगी, पार्टी की जरूरत के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं को और बढ़ा दिया जाएगा। 3 दिन के दौरे के बाद में पीएम मोदी फिर 23 नवंबर से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे, 23 और 24 नवंबर को पीएम मोदी 8 रैलियां करेंगे। गुजरात में राहुल गांधी पर जेपी नड्डा ने कसा तंज, कहा जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ दिया था, अब भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। गुजरात में गर्जे सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा पीएम मोदी कल्पवृक्ष, केजरीवाल बबूल का पेड़ है। AIUDF सांसद अनिमुल इस्लाम का विवादित बयान, कहा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, इस वजह से श्रद्धा जैसी घटना हो रही है। महाठक सुकेश चंद्रशेखर का एक और चिट्ठी बम, कहा सत्येंद्र जैन ने साल 2017 में बिटकॉइन के बदले $20 मिलियन नकद की मांग की। दिल्ली पुलिस ने विदेश मंत्रालय के एक ड्राइवर को जासूसी के आरोप में पकड़ा, खुफिया इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने की कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक पकड़ा गया ड्राइवर पाकिस्तान की एक महिला जासूस को विदेश मंत्रालय से जुड़ी जानकारियां भेजा करता था। नो मनी फॉर टेरर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन, सम्मेलन के आखिरी सेशन में विदेश मंत्री एस जयशंकर सत्र को करेंगे संबोधित। मोहन भागवत के 3 दिवसीय जबलपुर दौरे का आज दूसरा दिन, शाम 6 बजे मानस भवन में प्रबुद्ध जनों को करेंगे संबोधित। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती आज, राहुल गांधी की यात्रा में आज केवल महिलाएं होंगी शामिल, कांग्रेस में महिला सशक्तिकरण का संदेश। दिल्ली एमसीडी चुनाव में नामांकन वापस लेने की आज आखिरी तिथि, एमसीडी चुनाव के लिए 4 सितंबर को होगा मतदान। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज होंगे बंद, शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट, 6 महीने बाद फिर खुलेंगे कपाट। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन पर BCCI ने चयन समिति को किया बर्खास्त, सेमीफाइनल में करारी हार के बाद खिलाड़ियों के चयन पर उठे सवाल। BCCI ने चेतन शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति के सदस्यों को निकाला, BCCI ने चीफ सेलेक्टर समेत कुल 5 पदों के लिए आवेदन देने को कहा। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस के हाथ अब भी खाली, श्रद्धा का ना तो फोन मिला और ना ही मर्डर रैपर। श्रद्धा मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, कहा आफताब ने हत्या की बात कबूली, शव के आफताब ने किए टुकड़े, 3 साल से श्रद्धा को कर रहा था प्रताड़ित। आरोपी आफताब को उसके घर लेकर गई दिल्ली पुलिस, पूरे सीन को फिर से रिक्रिएट किया गया, अगले हफ्ते आफताब का हो सकता है नार्को टेस्ट। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने दिया आफताब का नार्को टेस्ट कराने का आदेश, 5 दिन के अंदर नार्को टेस्ट कराने का दिया आदेश। श्रद्धा हत्याकांड पर बोले बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, अगर किसी हिंदू ने ये किया होता तो देश में दंगे हो जाते। मेरठ में लव जिहाद से पीड़ित लड़की को धमकी, कहा अगर पुलिस ने शिकायत की तो श्रद्धा जैसा होगा हाल, पुलिस से शिकायत की तो श्रद्धा जैसा होगा हाल, पीड़ित ने SP ऑफिस में लगाई गुहार। पीड़ित के मुताबिक फेसबुक में हिंदू बताकर की थी दोस्ती, कई सालों से रिलेशन में थे दोनों, शादी की बात करने पर पहुंची घर बात तो पता चला कि लड़का मुसलमान है। उत्तर प्रदेश के मऊ में लव जिहाद का मामला आया सामने, प्रिया और असलम की शादी को हो चुके हैं 2 साल, दहेज के लिए मारपीट का लगाया आरोप। निधि गुप्ता हत्याकांड पर बोले केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, अब समय आ गया है धर्मांतरण पर कानून बनाने का, जल्द ही कानून बनेगा। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने निधि के परिजनों से की मुलाकात, निधि की मां को दिया मदद का पूरा भरोसा। लखनऊ की निधि हत्याकांड के आरोपी सुफियान पर सख्त कार्रवाई की मांग हुई तेज, निधि के परिजनों ने की फांसी की मांग।
नेपाल से चरस लाकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सप्लाई करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश। नेपाली तस्कर मोहम्मद इकबाल को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। 13.5 किलो चरस भी बरामद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज कैंपस के पेड़ों में लगी आग, मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, कहा भगवान राम का सौदा करती है बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी। आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण के एक अन्य मामले में आज होगी सुनवाई। साल 2019 में चुनाव के दौरान दिया था विवादित बयान। माफिया मुख्तार का बेटा अब्बास गया जेल, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है अब्बास। 4 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने किया था गिरफ्तार। लखनऊ के निधि मर्डर केस का आरोपी सुफियान गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी थी गोली। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दबंग ठेकेदार ने प्रधान के बेटे को पीटा। ठेकेदार द्वारा गांव में कराए गए इंटरलॉकिंग के भुगतान को लेकर हुई लड़ाई। मेरठ में बारात के दौरान हुआ हंगामा, जमकर चले लाठी डंडे, घर में घुसकर की मार। बाराबंकी में कार रिपेयरिंग शॉप में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में शारदा सहायक नहर में आया विशालकाय मगरमच्छ, मगरमच्छ को देख इलाके में मचा हड़कंप। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर मिला युवती का शव, ट्रॉली बैग में 21 से 22 साल की लड़की का शव मिलने से हड़कंप, हत्या कर फेंके जाने की आशंका। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक, मुख्यमंत्री निवास में सुबह 11 बजे से हुई मीटिंग। मेक्सिको में पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश, दूर दराज के इलाके में जा गिरा हेलीकॉप्टर, हादसे में सिक्योरिटी चीफ समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिर से कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को लगाई फटकार, पाकिस्तान को बताया झूठ फैलाने वाला मुल्क। बैंकॉक में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की थाईलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों पर भी हुई चर्चा। न्यूयॉर्क में ताजा बर्फबारी के बाद में सड़क पर जमा हुई 2 फीट बर्फ, रविवार तक सड़क पर 4 फीट बर्फ गिरने का अनुमान। यूएस के वेस्ट वर्जीनिया में सड़क पर विशाल गड्ढा होने से इमारत गिरने का खतरा, पुलिस अधिकारियों ने इमारत को खाली करवाया। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।